नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रेवल में आपका बाराबंकी जंक्शन से बहुत बहुत स्वागत है। सामने आप देख रहे हैं बाराबंकी जंक्शन की बिल्डिंग है, बाहर का सर्कुलेटिंग एरिया है। बाराबंकी जंक्शन हमारे उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में आता है और यहीं से दो तरफ ट्रैक्स जाते हैं। एक हमारा अयोध्या सेक्शन है जो कि हमारे उत्तर रेलवे में आता है और यहीं से आगे जो गोंडा होते हुए गोरखपुर ट्रैक्स चले जाते हैं वो हमारे फिर उधर NER लखनऊ मंडल में आते हैं। तो बाराबंकी जंक्शन जैसा आप सब जानते हैं, आजकल अमृत भारत योजना में भारत सरकार 500 से अधिक स्टेशंस का पुनर्विकास कर रही है। उसी कड़ी में बाराबंकी जंक्शन की भी नई बिल्डिंग यहां पर बनाई जाएगी, जिसके लिए बिल्डिंग का काफ़ी हिस्सा तोड़ दिया गया है। पीछे आपको जो हमारा FOB है वो नज़र आ रहा होगा और इधर आप देख सकते हैं निरंतर जो स्टेशन का पुराना भवन है वो टूट रहा है, क्योंकि यहाँ पर पूरी ही बिल्डिंग नई सिरे से बनाई जाएगी। बाहर तमाम कंस्ट्रक्शन का सामान यहाँ पर ढेर है, बजरी आप देख सकते हैं ढेर है, और पीछे जो बिल्डिंग देख रहे हैं अभी फिलहाल उसमें टिकट घर है। और पहले कोशिश ये हो रही है कि इस मुख्य बिल्डिंग के बाएं हाथ पर अगर आप बाहर से खड़े होकर के देखेंगे तो लखनऊ की दिशा की तरफ की जो बिल्डिंग है उसको तोड़ दिया गया है। इस तरफ से हम आपको दिखाते हैं किस प्रकार से, देखिए JCB यहाँ पर तेज़ी के साथ मिट्टी को एक तरफ ढेर कर रही है। JCB मशीन ने अपना कार्य शुरू कर दिया है, वर्कर्स लगे हैं, लोहे की सरिया को जो मोड़ रहे हैं, क्योंकि कॉलम्स खड़े किए जाएंगे। बिल्कुल नया डिज़ाइन बाराबंकी जंक्शन का जो बिल्डिंग है नए डिज़ाइन की तैयार होगी, आधुनिक बिल्डिंग होगी, तमाम सारी सुविधाएं उसके अंदर होंगी, तमाम सारी यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। वेटिंग हॉल अच्छा होगा बैठने के लिए और फूड कोर्ट होगा, तमाम सारी चीज़ें, ATM की फैसिलिटी दी जाएगी और बहुत सारी चीज़ें इसमें आएंगी। और जो ऑफिसेज हैं हमारे रेलवे एम्प्लॉयज़ जो यहाँ पर बैठते हैं उनके भी इसमें रूम्स वगैरह बनेंगे, क्योंकि पूरी बिल्डिंग एक साथ नहीं तोड़ी है। मुझे लगता है एक तरफ से कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे और उसके बाद आगे की जो बिल्डिंग है उसको फिर गिराया जाएगा उस दिशा में, वहाँ पर काम आगे धीरे धीरे बढ़ेगा। जब एक तरफ काम कम्प्लीट कर लेंगे तो उसके बाद मुझे लगता है फिर आगे जो तोड़ने का काम है बिल्डिंग उसको किया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी बाहर प्राइमरी स्टेज पर कार्य शुरू हो गया है। और इस क्रॉसिंग से हम आपको अगर दिखाएं, यहाँ पर जो बंकी जाने वाली हमारी क्रॉसिंग है, जो कैंट एरिया आता है उसके पीछे सामने दाहिने हाथ पर बाराबंकी जंक्शन का एक नंबर प्लेटफॉर्म है। यहाँ से आपको चारों प्लेटफॉर्म्स नज़र आ रहे होंगे। नंबर ऑफ ट्रैक्स यहाँ से ये अब लाइन इधर ट्रैक्स चले जाएंगे मल्हौर की दिशा में सफेदाबाद होते हुए। तो यहाँ पर बाराबंकी से मल्हौर तक जो नंबर ऑफ ट्रैक्स है वर्तमान समय में डबल ट्रैक है इलेक्ट्रिक रूट, इसको चार ट्रैक्स किया जाएगा। यहाँ पर दो ट्रैक्स बढ़ाए जाने हैं, जिसके लिए यहाँ पर लेवल क्रॉसिंग के ऊपर आप देख सकते हैं कार्य जब यहाँ पर NI के काम मेगा ब्लॉक लेकर के किए गए थे तो नंबर ऑफ ट्रैक्स यहाँ पर बढ़ा लिए गए हैं, आगे स्टॉपर्स लगा दिए गए हैं। और अभी आगे जो हमारी लेवल क्रॉसिंग आती है सफेदाबाद वाली हाईवे पर, उस दिशा में अभी मिट्टी पटान चल रहा है, काम रेलबेड बनाने का जो कार्य है वो किया जा रहा है धीरे धीरे। साथ ही साथ एक और चीज़ पर हम यहाँ पर ध्यान आपका आकर्षित करेंगे, आप देख सकते हैं सब पढ़े लिखे लोग नज़र आ रहे हैं, फाटक बंद है, बूम बंद है, कोई ट्रेन अभी आने वाली है और यहाँ पर देखिए कोई भी व्यक्ति रुक नहीं रहा है। जबकि इस रूट से वंदे भारत ट्रेन्स यहाँ पर उस टाइप की जो सुपरफास्ट ट्रेन्स हैं वो निकलती हैं, कई नॉन स्टॉप ट्रेन्स बाराबंकी से निकलती हैं, तेज़ रफ्तार में मालगाड़ियाँ निकलती हैं, लेकिन लोग अपनी जान को जोखिम में डाल करके इस प्रकार से क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉसिंग सामने आप देख सकते हैं WAG 9 लोकोमोटिव के साथ यहाँ पर गुड्स ट्रेन एक जा रही है गोरखपुर की दिशा में, ये मालगाड़ी जा रही है यहाँ पर। और आप देख सकते हैं यहाँ पर कि जो लेवल क्रॉसिंग है बंद है, लेकिन बावजूद उसके लोग जो हैं क्रॉस करने से बाज नहीं आते हैं और मुख्य ट्रैक पर जा कर के बाइक लेकर के खड़े हुए हैं। देखिए अभी हम आपको दिखाते हैं, मालगाड़ी निकल रही है उसके ठीक बराबर वाले ट्रैक पर, वहाँ पर एक साहब बाइक लेकर के खड़े हुए हैं। और इस प्रकार की चीज़ें नहीं करनी चाहिए। दूसरे ट्रैक से ये देखिए सामने आप देख रहे हैं ट्रैक के ऊपर इंतज़ार कर रहे हैं, और दूसरे ट्रैक से भी कोई तेज़ रफ्तार ट्रेन गोरखपुर की दिशा से आ सकती है तो उससे फिर हादसा हो जाता है। और इस प्रकार से रेलवे अनगिनत बार करोड़ों रुपए खर्च करके विज्ञापन निकाल चुकी है, लोगों को जागरूक करती है, लेकिन लोग हैं कि जागरूकता उनमें आ ही नहीं रही है और चीज़ों को वो समझना नहीं चाहते हैं कि उनकी लाइफ कितनी इम्पॉर्टेंट है और इस प्रकार की लापरवाही उनकी ज़िंदगी ले सकती है।
तो आम लोगों से हमारी ट्रेन्स एंड ट्रेवल के माध्यम से भी अपील है कि आप इस प्रकार से जो रेलवे फाटक होता है सावधानी बरतिए, कुछ देर प्रतीक्षा कर लीजिए, जब ट्रेन चली जाए फाटक खुले उसके बाद ही लेवल क्रॉसिंग पर आप अपना वाहन लेकर के निकले। और एक छोटी सी झलक वीडियो के लास्ट में गोमती नगर से गोड्डा जाने वाली वीकली एक्सप्रेस की आपको हम दिखा रहे हैं। सामने से आप देख सकते हैं गोमती नगर स्टेशन से चल करके आ रही है गोमती नगर गोड्डा वीकली, जिसका रेट शेयरिंग है गोमती नगर कामाख्या के साथ। तो इसकी एक छोटी सी झलक देखिए। उम्मीद है आज का छोटा सा वीडियो, छोटी सी अपडेट बाराबंकी जंक्शन से आपको पसंद आई होगी। यहाँ भी आप एक बार फिर से देखिए लोग किस प्रकार से ट्रैक पर जा कर के खड़े हुए हैं, और बहुत ही मूर्खतापूर्ण ये हरकत है। साथ साथ छुट्टा मवेशी भी अभी जो बाराबंकी का आउटर है यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो दोनों तरफ यहाँ पर अभी सुरक्षा दीवार जो बनाते हुए आ रहे हैं उसका कार्य भी होना है, क्योंकि सेक्शन पर स्पीड अगर 130 किलोमीटर प्रति घंटा करनी है। देखिए गाय घूम रही है, तो आपको ये आवारा पशु जो जानवर है मवेशी हैं इनकी रोकथाम करनी पड़ेगी, तभी आप सेक्शन पर सेमी हाई स्पीड में ट्रेन चला सकते हैं, जिसके लिए दोनों तरफ सुरक्षा दीवार होना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी छोटी सी झलक गोमती नगर गोड्डा की भी, बाराबंकी आउटर से प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर ट्रेन जा रही है।